सबसे पहले तो साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक ने हिम्मत है, आप देख सकते हैं ये भाई जो है उन्होंने टोटल लिया है और ये डाल रहे हैं। अल्लाह पाक की आपकी हाँ हाँ लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएँ करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत आते थे। ये बड़े करीने के साथ वगैरह लगाए और साथ आबशार है, यहाँ पानी चल रहा होता है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसके साथ साथ अगर जेंट्स के वाशरूम में ओपन का ताज है द टैलेंट इंटरनेशनल के 2023। दोस्तों आज ईद का दूसरा दिन है और हम मौजूद हैं वली पेट्रोलियम पे। मैं बताऊंगा कि किस जगह पर वली पेट्रोलियम मौजूद है, लेकिन आप ये देखिए कि ये इतना खूबसूरत है। इन्होंने इसको एक रूह की शक्ल दे दी, एक मिनी चिड़ियाघर की शक्ल दे दी है। लोग यहाँ पेट्रोल डलवाने को आते ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ एक तफरीह का समा है। लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये रौनक लगी हुई है। ये जंगल के अंदर जंगल लगा दिया है। इसके अंदर क्या क्या है पूरे पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम के जो ऑनर हैं और नसीम साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने किस शौक के साथ ये पेट्रोल पंप बनाया है और इनको ये आइडिया क्यों आया कि इसमें यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक छोटा सा शहर था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है जिसके अंदर ये आप देखेंगे इतनी रौनक ऐसे ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचाते हैं। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ फोटो सेशन हो रहे हैं। मेरे साथ जो भी इतना मौजूद है, सबसे पहले तो साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है और आपने ये काम किया, तो आप हमें पूरे परफॉर्मेंस का वितरण कराएँ। वली पेट्रोलियम तो है, पेट्रोल पे आता है कि पेट्रोल पंप, लेकिन इस पर आपने एक छोटा सा चिड़ियाघर बना दिया, ये कैसे आपको? ये इसके साथ वली कैफे है, यहाँ पर कैफेटेरिया है। ये कब स्टार्ट हो रहा है? अच्छा स्टार्ट है, तो आज छुट्टी है ईद की। अच्छा 2 बजे आएगा, तो ये इसके साथ आगे हम चलते हैं। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत आपने बनाया है कि आगे मुख्तलिफ जो है परिंदे हैं, परिंदों के अंदर छोटे ज़्यादा गया है। तो ये कौन कौन से ममालिक के छोटे यहाँ पर आपने रखे हुए? ये जरा दिखाएं इनको, जरा ना ये वो कल्चर करके कि ये तोते ये कौन कौन से ममालिक के तोते हैं? अच्छा तो ये पाकिस्तान से भी बाहर से भी हुआ है, तो ये तो बड़े कास्टली होंगे। ऐसा फिर ये ख्याल कैसे मुझे ये रखना है? यहाँ पर शेर है, ये शेरों का गुजरा है, शेर सोए हुए इस वक्त। तो ये माशाल्लाह ये शेर जो है ये कौन से ममालिक के हैं? ये तो बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े खूनखार शेर रखे हुए हैं। पाकिस्तान के ही है। अच्छा वो जो शेर है सफ़ेद, हमने 3 महीने का लाए थे, ये खुद ही पाला है। अच्छा ये बच्चा लिया था? बच्चा लिया था, अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ये मेरे बच्चे के साथ। ये कितने हैं आपके पास? यहाँ 2 हैं। अच्छा में एक शेर है। अच्छा बच्चे भी हैं, चलो फिर बात हम देखते हैं। तो ये देखें कि ये लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए शेर भी मौजूद है। ये आप देखें कि यहाँ पर पूरा गाजी हो रही है, मोटरसाइकिल है और साथ में कार भी है और 28 तारीख को मोटरसाइकिल है। जल्दी आइए मोटरसाइकिल भाई जो है अपना टोटल जो है डाल रहे हैं, आपने उसको पेट्रोल डलवाना है का पेट्रोल डालते कार का 2500 का है और मोटरसाइकिल का 500 का अगर पेट्रोल डलवाते हैं मोटरसाइकिल के अंदर तो आपको ये टोकन मिलता है। आप देख सकते हैं ये भाई जो है इन्होंने टोकन लिया है और ये डाल रहे हैं। अल्लाह काम की आपको चीज़ में करें, बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी कावश है। आप देखिए कि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको पेट्रोल के साथ साथ एक कावश भी ये मिले कि आप यहाँ पर इनाम भी हासिल करें। 28 को पूरा जाती है जनाब इसकी मोटरसाइकिल, और इसके बाद कार की आपको कार भी दिखाते हैं। आगे ये गाड़ी है, गाड़ी की जो है तुरंत जाती होने वाली इसकी और ये सितंबर में चाहिए सर। गाड़ी की तुरंत जाती कब है? सितंबर में। इसका क्या क्राइटेरिया कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? हाँ हाँ अंदरों भी दिखाया तो ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। आए तो सब आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपने जो ये काम किया है ना, अल्लाह पाक ने इसको आपकी हाफिज़ का ज़रिया बना दिया है। लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आते थे, ये बड़े करीने के साथ याद बनाई। अच्छा, इसके बाद शादियाँ भी हुई यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा, ये वज़ू खाना है। वज़ू खाना भी देखेंगे यहाँ पे। आप क्या बनाइए, क्योंकि रात का ये टाइम यहाँ पर होता है, ये आबशार जो है चलना शुरू हो जाती है। आप देखिए कि कितना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे फूल वगैरह लगाए हैं और साथ आबशार है, यहाँ पानी चल रहा होता है और बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसके साथ साथ अगर जेंट्स के वाशरूम हो और लेडीज़ के ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी बड़े खूबसूरत वाशरूम जो है ये बनाए हुए हैं। ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सारा इन्होंने बनाया। और जेंट्स के लिए मस्जिद अलहदा है और लेडीज़ के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए इन्होंने अलहदा जगह बनाई हुई है, और सिर्फ लेडीज़ के लिए है और लेडीज़ के लिए ये जगह बनाई है। तो ये इनका बैक वाली जगह है, ये यहाँ से ये शेरों के जो ये मेन जो है रहने की जगह इन्होंने बना रखी है, और इसके साथ बड़ा ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का PSO वली पेट्रोलियम का रिव्यू। उम्मीद है कि आज का ये हमारा पेट्रोल पंप का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।